Hello guys, this is Artistic IP or Almajari. Welcome to Daily Vlog 2 में आप सभी का स्वागत है. तो मैं जा रही हूँ जी हाँ दिल्ली फिर से, बट इस बार प्रॉपर रहने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए. नाउ दिस इज़ गोना बी माय न्यू जर्नी. आई एम वेरी एक्साइटेड एज अ कॉलेज स्टूडेंट. मैं फाइनली कॉलेज में आ गई हूँ और पता नहीं क्या होने वाला है. मैंने सुना है कॉलेज लाइफ बहुत मस्त होती है. क्या होती है अब जाके पता चलेगा कि कैसी होती है. विल बी आई मिसिंग माय स्कूल और नॉट, और क्या होने वाला है. फैमिली से छुटकारा तो सबको चाहिए होता है ना, और अब फैमिली से दूर जाने में भी मुझे बुरा लग रहा है पता नहीं क्यों. और देखते हैं मेरे अंदर कितना पेशेंस है, मैं कितना रह पाती हूँ, कितना सह पाती हूँ, कितना खा पाती हूँ, कितना पढ़ पाती हूँ, कितना मस्ती कर पाती हूँ एज अ कॉलेज स्टूडेंट. एंड दिस सिटी इज़ नॉन अदर देन गुवाहाटी. आसाम का दिल, आसाम का प्राइड. जी हाँ, गुवाहाटी बहुत सुंदर है. गुवाहाटी बहुत ज़्यादा सुंदर. आसाम छोड़ने में थोड़ा बुरा लग रहा है. कैन यू सी द माउंटेंस, कितना सुंदर है ना. बुरा लगेगा ये होम टाउन जो है. कुछ होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस लेके जा रही हूँ. होप ख़राब ना हो और सब सही रहे बिल्कुल, जैसा कि स्मूथली वे में हम लोग जा रहे हैं कार से. तो मुझे छोड़ने जा रहे हैं मेरे मौसा जी और मेरे पापा, और वो दोनों आते समय वापस आएंगे. और कार ड्राइव कर रहे हैं ड्राइवर अंकल, जो कार को वापस लेके जाके रख देंगे हमारी प्यारे से वाहन को. और ये देख सकते हैं बिट बिट ट्रैफिक. मुझे डर लग रहा है हम लोग टाइम से पहले पहुंच जाए बस स्टेशन. जय माता दी. यहाँ से हमने शॉर्टकट मारा है ताकि जल्दी जल्दी आ जाए, और बारिश भी हो रही है. अनफॉर्चुनेटली ये शुभ है कि अशुभ है आई डोंट नो. वैसे हल्का बारिश होना है शुभ संकेत अकॉर्डिंग टू माय मॉम एंड नानी. और हम लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, बस टाइम पे पहुँच जाए, कुछ भी हो जाए. जय माता रानी, जय श्री कृष्ण, हे कृष्ण, टाइम से पहुँचा दियो. और हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं. ये छोटे छोटे मार्केट्स हैं, गली हैं गुवाहाटी में. और हम लोग जा रहे थे यहाँ से नज़ारों का मज़े लेते हुए, और मैं आपको पका रही हूँ. आई नो मैं इतनी पकाऊ क्यों हूँ. हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, नन अदर देन कामाख्या जंक्शन, कामाख्या स्टेशन हम पहुंच गए हैं. और इधर हम कार पार्क करके अपना सामान वगैरह निकालेंगे. फ्लैग कितना मस्त लग रहा है ना गाइस. और मैं जा रही हूँ फाइनली. मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है मैं पेरेंट्स को छोड़ के कैसे रहूँगी इतनी दूर. फाइनली फ्रीडम गेन. अब हम लोग इधर उतरेंगे और अपना सामान वगैरह निकालते हैं. तो हम कामाख्या जंक्शन पहुंच चुके हैं. यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ हमारा सामान निकाला जा रहा है. अच्छा है हम आधा घंटा पहले ही पहुँच गए हैं लकीली. ठीक है.
मैं हूँ अपने दोनों पावर मैंस के साथ, मेरे पापा मौसा, दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं और दोनों मेरे साथ जा रहे हैं अब मुझे छोड़ने दिल्ली। यहाँ हम सामान का पैकिंग्स वगैरह चेक करा के आगे बढ़ते हैं और मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ अपने सीट पे। बहुत ढूंढने के बाद मिला, गलत स्टेशन में, गलत प्लेटफॉर्म में चले गए थे, फिर हम पहुँचे अपने प्लेटफॉर्म में और मिल गया फाइनली। और ये ट्रेन हो गई स्टार्ट एंड आई एम एंजॉयिंग इट। तो ट्रेन शुरू हो गई है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने की ब्रह्मपुत्र ना ये ब्रह्मपुत्र है ना, ओहो ब्रह्मपुत्र। यहाँ हम रुकते हैं स्टेशन पे और थोड़ा सा खाना खा लेते हैं जो घर से लेके आए थे, बिकॉज़ हम लोग 11 बजे खाना खाए थे और अभी शाम हो रहा था, इसी की वजह से ठंड चार रही है और मेरे गला दर्द हो रहा है। खाने का पूरा रेडी कर रहे हैं, खा रहे हैं। थैंक्स टू माय मॉम एंड मासी जिन्होंने ये बहुत प्यार से बनाया। रहा अच्छा खासा क्योंकि उस दिन हम घर से खाना वाना लेकर आए थे। अब सुबह होने के बाद मैं बोर हो रही थी, तो सीन्स का मज़ा लेते हुए हम लोग शायद बिहार में थे और सीनरी का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैं पीती हूँ लाल चाय बिकॉज मेरा गला दर्द हो गया था इसी के वजह से, लाइक एसी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए, गला फूल जाता है, लाइक बिट एलर्जिक, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरी हालत देख रहे हो गाइस, कुछ ऐसा हो गया है। फिर भी मैं आप लोग को चाय पीते हुए दिखा रही हूँ कि हाँ मैं चाय पी रही हूँ। वैसे तो मैं लाल चाय पीती हूँ, दूध चाय तो सब नहीं पता कि टेस्ट किया था बट मैं नहीं खा सकती। यहाँ मैं और मेरी डैड पूरी सब्जी का मज़ा लेते हुए, ना कुछ खास नहीं था क्या बता। यहाँ हो रही थी मैं कुछ बोर और क्या करूँ, मेरे ऊपर वाला आदमी तो आराम से सो रहा है और मैं बोर हो रही हूँ। ऐसे ही सारा दिन कट गया ऐसे बोर होते होते, और नेटवर्क भी नहीं चल रहा था। और देखो देखते देखते हो गया रात, ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिया मैंने, खाने का भी लिया। इधर आ गया हमारा डिनर, तो हमारा खाना आ चुका है आपका, जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छी बताओ तो आज का दिन बहुत बोरिंग था, पता नहीं क्या करना है कुछ नहीं। मैंने डायरी भी अपना कहाँ घुसा दिया, कुछ लिख भी नहीं पाई। अच्छा अच्छा आइडिया सारा था आज लिखने के लिए बट कुछ लिखा नहीं। और पेंटिंग भी करना चाहती थी, कुछ ड्राइंग करना चाहती थी, उसके लिए भी कुछ कॉपी पहले आगे नहीं रखा, पछतावा है। आई वेस्टेड ऑल डे, चलता है एक दिन तो होता ही ऐसा। खाते हैं, मेरा तो पेट भी दुख रहा है खाने के लिए, किसे बहुत धीरे धीरे खाना पड़ेगा। और कल सुबह तक हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। तो यहाँ हम खाना खाने की शुरुआत करते हैं, देखो दाल खा लो, ट्रेन का खाना क्या ही बोल सकते हैं। और वो पूरी भी बाप रे, क्या बताएं। जैसे तैसे हम खाना फिनिश करते हैं, दाल मुझे ठीक लगा बट वो पनीर की सब्ज़ी जो थी वो गॉड बेकार लग रहा था। जैसे जैसे अचार के साथ मैं खा तो ली क्योंकि ख़त्म करना था, और ये जो फ्री है वो
फेंकना नहीं चाहते थे, पैसे से खेल गए भाई, फेंकेंगे क्यों, मेरी कोई मेंटल नहीं है, आई एम वेरी गरीब। तो खाना खाने के बाद हम लोग सो रहे थे और ट्रेन में हमारा जो कंपार्टमेंट था डिब्बा का हो तो जैसा था तो सो रहे थे। और ये दोनों अंकल पूरे रास्ते इतना गपचप किए, इतना गपचप किए यार, मुझे तो औरत होने पर भी धिक्कार हो रहा है कि ये लोग कैसे इतना बात कर सकते हैं। मतलब ये दोनों शायद ही बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, बहुत बात करते हैं, सारा बात करते हैं। हेलो गाइस, तो आज है डे 3 मेरे जर्नी का और आज हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं। और ये सफ़र बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, बोरिंग था, मज़ा भी था और थोड़ा एडवेंचरस था, बाद में बताती हूँ क्यों। और फिलहाल तो अब एक दिन पूरा ट्रेन आकर कैसे लग रहा है मुझे पता है, अच्छा नहीं लग रहा, और इसीलिए अब स्टेशन जाती हूँ, वहाँ जाके नहाती हूँ और फिर जाऊँगी डायरेक्ट हॉस्टल। तब तक के लिए देखते रहिए आगे क्या है। ट्रेन एक्चुअली डिले हो गया, एक्सपेक्टेड था कि 4:35 तक हम पहुँच जाएंगे, बट डिले 5:32 का हुआ है और अभी लग रहा है 9 बजे ऐसे हम पहुँच जाएंगे, 9 बजे 10 भी बज चुके, ठीक नहीं है ट्रेन का। और सो की जा रही थी ये ट्रेन एकदम बिजी मेरी तरह। एनीवे जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी फ्रेश अप ओके फ्रेंड्स। जैसा कि देख सकते हो ये मेरा 3rd डे था, मतलब डे 3 जर्नी था यार, आसाम से कितना दूर है दिल्ली। ये रहे मेरे मौसा जी, ये रहे मेरे पापा, ही इज लुकिंग बिट सैड क्योंकि बेटी को छोड़ के जाना पड़ेगा है ना। मैं भी बहुत परेशान थी कि आज पापा मुझे छोड़ने तो पहले वापस अकेले कैसे आएंगे, बहुत थक गई थी। मेरा इंतज़ार दिल्ली पहुंचने का ख़त्म हो रहा था और ये जर्नी ख़त्म होने वाली थी, पूरे 2 दिन और 3rd दिन का थोड़ा सा टाइम पार्ट लगा, कितना दूर है ना, पर कोई बात नहीं क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश पार कर रहे थे, ये वो टाइम था जब मेरा एक्साइटमेंट बढ़ रहा था कि कैसे पहुँचूँगी, बॉडी बहुत लेज़ी हो रहा था और मैं बहुत थकी थी बिकॉज 3 दिन का ट्रेन जर्नी वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड एक्साइटिंग ऑल्सो। जैसा कि मैंने पहले बोला था, एक्साइटिंग इसलिए था क्योंकि बहुत सारे नमूने लोग थे, मतलब क्या क्या हरकत कर रहे थे। एक इंसान तो ऐसा था कि वो 24 घंटा सोया हुआ था, खा भी सो के खा रहा था वो इंसान, हो गॉड, उसको तो सल्यूट करने का मन कर रहा था। तो उत्तर प्रदेश वॉज फैसिनेटिंग, बहुत सुंदर लगा मुझे उत्तर प्रदेश, पता नहीं क्यों बहुत सुंदर रहा। धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ते हुए
फोटो मत करो, फोटो हाँ तो दुखे करब ना तुम्हें दुखे करवा फोटो কত বলো না तो रेड फोर्ट देख के मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया था। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मुझे मॉन्यूमेंट्स और टेंपल का बहुत ज़्यादा शौक है और एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू कैन से माय कोर्स इज़ बीए ऑनर्स हिस्ट्री दिल्ली। और हम लोग स्टेशन से जैसे तैसे निकले और अब पापा के होटल में जा रहे हैं, वहाँ से फ्रेशन अप करेंगे और उसके बाद जाएंगे मेरे हॉस्टल। तो मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ जैसा कि देख सकते हो आप, और हम लोग जा रहे हैं मेरे कॉलेज, आईपी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा सेकेंड टाइम था दिल्ली में, लेकिन मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था बिकॉज मैं आई थी 2-3 दिन के लिए, वो भी शोकेस प्रोग्राम वगैरह। और अब मुझे दिल्ली का ट्रैफिक वगैरह समझ आ रहा है एंड अब तो इधर ही रहना है। इट विल बिकेम माई होम। तो थोड़ा थोड़ा पहचानने की कोशिश करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। और बोले तो मेरे कॉलेज आपका हॉस्टल के लिए। मैं तो आ गई दिल्ली, आप कब पा रहे हो? सपना बनाओ, बुनते जाओ और एक दिन वो पूरा ज़रूर होगा बिकॉज मंजिल इतनी भी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू।